सूबे की राजधानी लखनऊ में अब लाइसेंस धारक दो से ज़्यादा हथियार नहीं रख पाएंगे। दो से ज़्यादा शस्त्र लाइसेंस रखने वालों को एक लाइसेंस जमा कराना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार लखनऊ मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किया है। तीसरा लाइसेंस किसी अन्य शस्त्र लाइसेंस धारक, आर्म्स डीलर या थाने के माल खाने में जमा कराना होगा। आधिकारिक तौर पर लाइसेंस जमा ना करने पर तीसरा लाइसेंस निरस्त माना जाएगा। शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण को भी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। यहां आपको बता दें कि हथियारों का लाइसेंस आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है। प्रशासन नियमों के उल्लंघन होने पर लाइसेंस को रद्द कर सकता है। अगर प्रशासन को लगता है कि किसी की बंदूक या पिस्टल के लाइसेंस को रद्द करना पब्लिक के हित और सुरक्षा के लिए ज़रूरी है तो वो उसे रद्द कर सकता है। अगर प्रशासन को लगता है किसी व्यक्ति को बंदूक या पिस्टल का लाइसेंस मिला है और वो दिमागी रूप से डिस्टर्ब है तो प्रशासन उसके लाइसेंस को रद्द कर देता है। अगर हथियार को जमा करने का निर्देश दिया जाता है और लाइसेंस रखने वाला वो आदेश नहीं मानता है तो भी लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। शिवेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।